हिंदुओं ने लिया प्रभास को आड़े हाथ, आदि पुरुष को लेकर मचा रहे हैं बवाल। 2 अक्टूबर को फिल्म आदि पुरुष से टीजर रिलीज कर प्रभास ने एक बड़ी गलती कर दी है। जिस प्रभास को हमने फिल्म बाहुबली से जाना था, वह अब प्रभास हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। यह हमारा कहना नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर मांगे उठी है। कई लोग हैं जो इस फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस फिल्म को बैन करने की भी मांगे कर रहे हैं। जिस फिल्म को हिंदू धर्म के लिए बनाया गया था और उन दर्शकों को भगवान राम की कहानी बताने का जो इरादा रखा था, वह इरादा अब किसी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों सामने आए टीजर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। जो रावण, जिसे हम राक्षस बताते हैं, वो एक ज्ञानी इंसान थे, लेकिन जिस तरह से सैफ अली खान ने इस फिल्म में रावण का किरदार निभाया है, वह एक राक्षस के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि प्रभास ने जो किरदार निभाया है, वो फिल्म में एक कार्टून जैसा लग रहा है। और दूसरी बात यह कि प्रभास से यह किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हम बाहुबली जैसी फिल्मों में देख चुके हैं कि मास ऑडियंस ने उन्हें किस कदर देखा था। एक मसीहा की तरह लोगों के दिल जीतने वाले प्रभास अब इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाकर भी लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर हाल बताए तो हर रोज इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग की जाती है। कई पॉलिटिशियन भी है जो इस फिल्म को बैन करने की गुजारिश कर रहे हैं। टीजर रिलीज से पहले जिस कदर आदि पुरुष को लेकर ट्रेंड छाया हुआ था, वह पूरा उलट गया है। पहले इस फिल्म को बड़े सिनेमा पर्दे पर देखने के लिए जो एक्साइटमेंट थी, वह एक्साइटमेंट अब बायकॉट करने में जा चुकी है। दोस्तों, रिलीज किए गए टीजर ने ना सिर्फ आम जनता को बल्कि कई प्रभास के फैंस का भी दिल तोड़ दिया है, और इसीलिए अब हर जगह इस फिल्म को बायकॉट और बैन करने की मांगे उठ रही है। आपको फिर एक बार बता दे तो इस फिल्म में प्रभास भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले है, वे कृति सैनन सीता और सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। लेकिन क्या आपने ये टीजर देख लिया है? अगर देख लिया है तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।